तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड क्या होता है, ठीक है, और उसमें हम क्या नाम है कि प्रेजेंटेशन को तैयार कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम प्रिंट कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता क्या है। जबकि हम पिछले क्लास में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस स्केल का कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो दिए थे, साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, लेकिन हमने यह भी बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उस सबका प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको सबका प्रैक्टिस करवाएंगे जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला रहेगा, नहीं होगा किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम लिब्रे ऑफिस से नहीं होगा, कंप्लीट हम एक एक करके बताते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं यहां पे और जाते हैं आर प्रोग्राम में, और यहां पे देखिए लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है और यहां पे देखिए इंप्रेस लिखा हुआ है, क्लिक कर देंगे। हमने ओपन करने के कई तरीके भी बताए थे, कई तरीके आपको बताए थे, कई प्रकार से बताए थे, जिस जिस प्रकार से आपको ओपन करने का तरीका आया होगा आप उस तरीके से ओपन कर लेंगे। जबकि लगभग लगभग सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीका एक ही होता है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब आपका कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जब वो क्या नाम है कि इंस्टॉल किया जाता है पहली बार उस सिस्टम में, तो वो आल प्रोग्राम में चला जाता है, और जब उसमें हम आल प्रोग्राम से एक दो बार क्या करते हैं कि यूज कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम में क्या होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये दिख रहा है, ये क्या लिखा है, सेलेक्ट ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि आप कौन सा टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है नमूना या सैंपल कह सकते हैं, नमूना या सैंपल यानी कि बना बनाया कोई चीज होता है, ठीक है, तो उसे टेम्पलेट कह सकते हैं या फिर नमूना कह सकते हैं या फिर सैंपल कह सकते हैं। टेम्पलेट होता क्या है हम राइटर में कंप्लीट बताएं, इसकी शॉर्टकट की भी बताएं, जबकि यहां पर भी हम आपको बता देंगे कि यह टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है और यह होता कैसे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसको यहां से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिब्रे ऑफिस कंप्लीट इस तरीके से ओपन है, कंप्लीट ये देख रहे हैं आपका इस तरीके से ओपन है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कि जब ये आपकी पहली जो पट्टी होती है, ये पहली पट्टी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि टाइटल बार होता है, जस्ट इसके नीचे वाली पट्टी जो यहां पर दिख रहा है आपको, फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, फॉर्मेट, इसे हम मेनू बार कहते हैं, क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। और ये आप का यहां पे देखिए जो लिखा हुआ है न्यू है और यहां पे ओपन है, फिर उसके बाद सेव है, फिर पीडीएफ एक्सपोर्ट है, ये आप यहां पे कह सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग बार भी कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, ये चीज है। और ये आपका यहां पे स्लाइड एरिया है, यहां पे स्लाइड आपको दिखेगी, अभी यहां पे देखिए स्लाइड एक ही है तो एक शो कर रहा है, ठीक है। और यहां पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं जहां पे लिखा है स्लाइड वन टाइटल टेक्स्ट, ये आपका स्टेटस बार होता है, और ये जो दिख रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है, लेफ्ट राइट की तरफ जाने के लिए होता है, और ये आपका प्रॉपर्टी बार होता है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ प्रॉपर्टी बार है, ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं। यहाँ पे एक साइड बार भी होता है, ठीक है, ये वर्टिकल बार है, क्या है, वर्टिकल बार कह सकते हैं, या फिर आप इसे स्क्रोल बार कह सकते हैं। और ये आपका जो दिख रहा ना, यहाँ पे लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इस यानी कि ये जो पेज आपका है इस पेज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पेज होता है वो डॉक्यूमेंट होता है और लिब्रे ऑफिस का जो पेज होता है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं, उसी प्रकार इंप्रेस के पेज को स्लाइड कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि इंप्रेस के पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा किए गए कार्य को डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक्सेल के द्वारा किए गए कार्य को आप क्या नाम है कि वर्कबुक या स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इंप्रेस के द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपके माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट से भी बनाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से भी ये प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। जबकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंट इंप्रेस के नाम से। किस नाम से? इंप्रेस के नाम से। यदि कहा जाए कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन से संबंधित काम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इंप्रेस का करते हैं। या लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्लाइड से संबंधित काम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इंप्रेस का करते हैं। यही आपका लागू हो जाएगा किस में? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक चीजें था, यानी कि अभी यहां पे हमने बताया आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट मेनू बार हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, यानी कि आप यहां से क्लिक करेंगे जब, तो आपको यहां पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आएगा। और ये स्प्रेड मतलब कि ये कैल्क की शीट आएगी, ये प्रेजेंटेशन का एक नया पूरा नया प्रेजेंटेशन ही खुल के आएगा, यानी कि उसमें भी टाइटल बार होगा, मेनू बार होगा, ऐसे करके आएगा। ये ड्राइविंग, इसमें आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, जिस भी प्रकार का नया सीट लेना आप ले सकते हैं। टेम्पलेट की शॉर्टकट की देखिए यहां पे दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एन, जब इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पुनः यह विंडो यहां से मिल जाएगी, और इस विंडो से आपको जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप यहां से ले सकते हैं, जो आपको चाहिए ले सकते हैं। हम यहां पर क्लिक करके देखिए ऑल एप्लीकेशन कर देते हैं, और यहां पर क्लिक करके ऑल कैटेगरी कर देते हैं, सारे कैटेगरी यहां पे आपको आ जाएंगे, जितने भी कैटेगरी है। पहले तो आपको कुछ इस तरीके शो कर रहा था, लेकिन ऑल कैटेगरी करने पे देखिए कुछ इस तरीके से भी आपको मिल गया। ठीक है, आगे आप नीचे जाएंगे, चलते जाएंगे देखिए ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो चाहो इसमें से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ये लेना, तो यहां पे क्लिक करके यहां से ओपन कर देंगे ऐसे, तो ये आपका एक नया देखिए इस तरीके से एक नए स्लाइड के यानी कि एक नए प्रेजेंटेशन के रूप में ओपन होकर आ जाएगा, और यहां पे टेक्स्ट को लिखने के लिए यहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि नया टेम्पलेट से यहां पे देखिए आपका दो विंडो दिख रहा होगा, एक यहां पे देखिए आपका ये पहले जो मैंने ओपन किया था वो है, और दूसरा आपका देखिए ये अब वाला विंडो है, यानी कि जो मैंने अभी जो आपको टेम्पलेट लेकर के दिखाया वो है। ठीक है, ये चीज है। तो टेम्पलेट के बारे में आप समझ गए होंगे कि टेम्पलेट क्या है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का टेम्पलेट इसमें ले सकते हैं, आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, जो कि आप यहां पे फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे भी देखिए वही चीजें आपको दिखेगी जो चीजें आपको यहां से दिख रही थी। ठीक है, यहां पे क्लिक करके आप देखिए ओपन करेंगे, ओपन का मतलब यानी कि आप पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखे हुए हैं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी जैसे डाउनलोड में रखे हैं या डेस्कटॉप पे रखे हैं या फिर डॉक्यूमेंट में रखे हैं या फिर पिक्चर में रखे हैं, आप किसमें रखे हैं, जिसमें रखे हैं उसको ओपन करके, और जैसे मान लीजिए कि ये होगा आपका तो आप यहां से ओपन कर देंगे तो ये आपका इसमें ओपन होकर के आ जाएगा। वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ दे रहा है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन दे रहा है। ठीक है, ये चीज है। आगे इसमें देखिए आपका दिया हुआ ओपन रिमोट आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्लिक करके देखिए यहां पर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, ऐसे जगहों से आप यदि आप रखे हुए बना करके तो वहां से इससे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका कोई इस्तेमाल अभी लगभग कम ही लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहां पे देखिए दिया हुआ आपका सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है शॉर्टकट की इसकी, और यहां पे भी आपका देखिए दिया हुआ है सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे ओपन रिसेंट का मतलब कि यदि आप इसमें कोई काम किए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो जिस काम को जो काम करके सेव किए हैं वो काम आपका वो आपका इसमें शो करेगा, इसमें दिखाएगा रिसेंटली डॉक्यूमेंट या रिसेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पहले इसके काम किया गया होगा वो इसमें आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे विजार्ट है, ठीक है, ये आपका लेटर टेम्पलेट है। ये सारी चीज़ें हम आपको राइटर के अंतर्गत बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें। सेव और सेव एज का मतलब है कि आप जो फाइल बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे फाइल आप बना करके उसको एक्स वाई जेड के रूप में सेव कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे कुछ भी लिख देते हैं, यहां पे ऐसे हम लिख देते हैं कि वेलकम, ठीक है, यहां से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वेलकम, और यहां पे लिख देते हैं माय चैनल। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं माय चैनल,
ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसको मान लीजिए कि सेव करते कंट्रोल एस से, कंट्रोल एस से सेव करते कहाँ पे, डेस्कटॉप पे करते हैं, और यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं जिस नाम से हमें क्या करना है, किसे सेव करना है, तो हम गोटू के नाम से इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ODF दिया हुआ है, ODF दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे कि सेव करेंगे, सेव करेंगे, और अब जा करके यहाँ से मिनिमाइज करके देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपका ये सेव हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि ये सेव हो गया है कंप्लीट रूप से, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है .odp होता है, क्या होता है .odp होता है। अब हम इसको पुनः इसमें ओपन करके, इसमें मान लीजिए कि जो चैनल हमने लिखा है इसमें हम इंटर करके लिख देते हैं आजमगढ़ यहां से। ठीक है, यहां से लिखते हैं AZA, ठीक है, MGARH ऐसे लिख करके। अब हम अगर हम कंट्रोल यस करते हैं, कंट्रोल यस करेंगे तो ये फाइल उसी में जाके सेव हो गई जो हमने पहले से सेव किया था। लेकिन यदि फाइल में जाकर के कंट्रोल शिफ्ट यस करेंगे या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमें इसको किसी और नाम से सेव करने के लिए देगा। ठीक है, जैसे कि हमें हम गो टू के जगह पर और मतलब कि एक और इसमें लिख देते हैं और सेव करते हैं ऐसे। तो अब देखेंगे कि डेस्कटॉप पे देखिए आपका दो फाइल बन गया, जबकि वही चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें वही हैं, लेकिन नाम चेंज हो गया। अर्थात सेव और सेव एज का मतलब होता है, सेव का मतलब होता है कि कोई भी फाइल बना करके सुरक्षित कर सकते हैं, और सेव एज का मतलब कि उसे पुनः फिर किसी दूसरे नाम से या फिर पुनः फिर किसी दूसरे जगह पर सेव कर सकते हैं, अगर उसमें एडिटिंग किया गया होगा तो। ठीक है, शॉर्टकट की उसकी ओटे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होती है, राइटर में भी यही होती है, इसमें भी यही है आपका, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत सेव एज की शॉर्टकट की यह 12 होती है, एक्सेल के अंदर यह 12 होती है, पावर पॉइंट के अंतर्गत F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है, और ये आपका एक्सपोर्ट दिया है PDF के रूप में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंट करने के लिए दिया हुआ, और यहाँ पे कट करने के लिए दिया है, जो कि ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऐसे, और सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको कलर कर देते हैं, कलर करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक कर लेंगे, इसे क्लिक कर लिए, अब हम यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के ऐसे देखिए, जैसे ही हम लेफ्ट बटन दबा के इस पे क्लिक किए तो आपको क्या देखा क्लोन फॉर्मेटिंग के माध्यम से, यानी कि इसके जैसा जो फॉर्मेटिंग इस पे जो लगा था वही फॉर्मेटिंग इसमें भी आकर के लग गया, कंप्लीट आके इसमें देखिए लग गया है। इस क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है। और यहां पे देखिए दिया अंडो, अंडो का मतलब एक स्टेप पीछे जाना, ऐसे एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, रीडो का मतलब एक स्टेप आगे आना, देखिए एक स्टेप आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। आगे आपको देखिए यहां पे दिया स्पेलिंग और चेक, जो कि F7 इसमें भी होता है, F7 राइटर में भी होता है, F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्पेलिंग चेक ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, या सेम ही होती है, तो हाँ सेम ही होती है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया डिस्प्ले गाइड दिया हुआ, और यहाँ पे देखिए दिया डिस्प्ले व्यू दिया है, जो कि आपको व्यू मेन्यू में अभी इधर देखिए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये जैसे आपको व्यूज करके देखना आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे नोट्स के रूप में देखना तो आप नोट्स के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से करना तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर का मतलब बहुत सारे स्लाइड आप लिए हुए हैं तो को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और फिर यहां से आप देख सकते हैं यहां पे क्या दिया, मास्टर स्लाइड दिया हुआ, और यहां पे मास्टर नोट्स दिया हुआ, और यहां पे आपका और इस यहां पे दिया हुआ है मास्टर हैंड आउट दिया हुआ है। ठीक है, आप जिस रूप में इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, यहां पे देखिए वही चीजें दिया हुआ है, और यहां पे भी आपका देखिए ये प्ले करने के लिए दिया है कि कोई भी स्लाइड आप बनाते हैं तो उसको शो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी कि पावर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत बनाए गए स्लाइड को शो करने के लिए F5 की का उपयोग करते हैं। हम F5 की दबा करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये ऐसे फुल स्क्रीन यदि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए तो देख सकते हैं। और इसके बाहर आने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं, जो कि हम थ्योरी के क्लास में बता चुके हैं आपको। और यहाँ पर देखिए टेबल का ऑप्शन दिया हुआ, आप टेबल वगैरह यहाँ से बना सकते हैं। और ये आपका देखिए दिया हुआ है इंसर्ट इमेज, यानी कि क्लिक करके आप यहां से कोई भी इमेज ले सकते हैं यदि डाउनलोड किया है तो, और या तो किसी फाइल या फोल्डर में रखे हुए हैं तो आप उसको ले सकते हैं। ऐसे देखिए कुछ इमेज यहां पे दिख रहा है, आप उसको ले सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपका इंसर्ट ऑडियो वीडियो, यानी कि वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और ऑडियो को भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ट दिया, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको पिछले जितने भी राइटर हमने राइटर में पढ़ाया है या फिर हम आपको कैल्क में पढ़ाया सब में बता दिए, सब उसमें भी ये रहता है। कोई इसमें मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तन है कि इसमें आपका जो यहाँ से साइड दिख रहा है प्रॉपर्टी बार वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उसमें भी यही थी और इसमें भी आपका यही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं, देखिए रिलोड दिया हुआ है, वर्जन दे, ये सब हम आपको बता चुके, कुछ भी नहीं छोड़े हुए हैं, ठीक है। एडिट मेनू में देखिए कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप बार बार इसको जानते ही होंगे, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब कि जैसे कि हम इसको मान लीजिए कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, और लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सिलेक्ट करते हैं और हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, क्लिक करके इंटर मार लेते हैं और इसमें व्यू में एडिट में जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट अनफॉर्मेटेड का मतलब कि जो उसमें फॉर्मेट लगा वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में अगला जो दिया है पेस्ट स्पेशल में अगला जो दिया हुआ है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, यानी कि इसमें फॉर्मेट आएगा। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करिए तो इसमें फॉर्मेट आएगा। यहां पर क्या लिखा है, लिखा है ना यहां पर फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये दो बार आया उसी में, ठीक है, मतलब कि उसमें फॉर्मेट आएगा और ये आपसे पूछा जाएगा कि किस रूप से आपको पेस्ट करना है। देखिए क्लिक करेंगे तो यहां पे पूछ रहा है फ्लैट, क्या लिखा है, फ्लैट एक्सएमएल फॉर्मेट, ओके करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम उसके नीचे वाले पे कर दिए हैं, ठीक है। आगे इसमें आपको देखिए रिच टेक्स्ट इस रूप में आप देख सकते हैं पेस्ट करके, देखिए है ना, ये मतलब कि इस तरीके से आपका स्पेशल का काम होता है, ठीक है, जो कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी है और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की इसमें देखिए आपका जैसे ये दिया हुआ है, अब ये डुप्लीकेट की शॉर्टकट की इसमें क्या दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस F3 दिया था, शिफ्ट प्लस F3, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस D है, ठीक है, और उसमें पावर पॉइंट में भी कंट्रोल प्लस D है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत शिफ्ट प्लस F3 का जो काम होता है ना वो सेव क्या नाम है कि साइकिल केस के लिए होता है, चेंज केस के लिए होता है, अपर लोअर प्रॉपर के लिए होता है, इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है, इसमें डुप्लीकेट कर देगा। यहां से आप ओके करेंगे ऐसे तो आप देख सकते हैं कि एक और यहां पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ये सभी जानते हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपका देखिए दिया हुआ है, यानी कि फाइंड रिप्लेस गो टू, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बता दिया गया है। पॉइंट के लिए बताया गया, ये आप कोई शेप वगैरह बनाएंगे तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, जब कोई शेप बनाएंगे तो अभी हम पॉइंट के लिए आपको उसमें दिखा देंगे। देखिए इधर भी आपको वो चीज़ें मिल रही है कर्व के लिए, ठीक है, ये चीज़ यहां पे देखिए पॉइंट वाला ऑप्शन यहां पे शो कर रहा है या फिर इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम यहां पे देख लेते हैं क्या दिया है, गाइड पॉइंट, गाइड पॉइंट दिया है, एडिट मोड, एडिट मोड में अभी है, रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल व्यू ही अभी है, आउटलाइन व्यू कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर क्लिक करके नॉर्मल करेंगे, ठीक है। देखिए व्यू का मतलब तो दिखाना, आप यहां से दिखा सकते हैं आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर, जो कि अभी अभी हम यहीं से दिखाए थे, सब यहीं से अभी अभी हमने दिखाया था, सारी चीजें आपको दिखाया था। यूजर इंटरफेस में आप स्टैंडर्ड टूल बार को रख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड टूल बार है, देखिए ये शो कर रहा है, बाकी सिंगल टूल बार नहीं है तो नहीं शो कर रहा है, जिस पे ट्रिक करेंगे वही शो करेगा। टूल बार में जाएंगे तो इसमें जो जो देखिए ट्रिक लगा है, ड्राइविंग एरिया होगा, ठीक है, यहां पर देखिए क्या नाम है कि प्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड है, जो जो पे ट्रिक लगा वो इसमें शो कर रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं शो कर रहा है, ठीक है। आगे आपका स्टेटस बार है तो स्टेटस बार पर क्लिक करिए, देखिए नीचे से हट जाएगा, फिर क्लिक करके आप स्टेटस बार को लाइए, देखिए है ना। उसके बाद आप फिर इसी पे क्लिक करके आप क्या करिए कि स्लाइड पेन, स्लाइड पेन पे आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे क्या हट रहा है, यहाँ से स्लाइड पेन हट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्लाइड पेन को लेके आइए, देखिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R होती है, देखिए रूलर आ गया है, ठीक है, जो कि रूलर होता है क्या हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए गाइड क्या नाम है कि गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से गाइडलाइन का यूज इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कमेंट का दिया हुआ है, साइड बार यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल
कंट्रोल F5 होता है, ठीक है। ये चीज देखिए हट गया साइड बार, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए साइड बार यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ये साइड बार ही है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये स्टाइल खुल गया, बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटलाइन के लिए, देखिए तमाम तरह की चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज है, कट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज है। आगे फिर हम यहाँ से चलेंगे व्यू के अंतर्गत, ये सारी चीजें आपको बताया गया है। इंसर्ट में देखिए आपका इमेज दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, ये चीज है। हम यहाँ से साइड बार को क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से साइड बार को लेके आते हैं। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट में देख लेते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए, जो कि हम अभी अभी यहाँ पे आपको बताएं, आइडियो टेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे शेप दिया हुआ है, जो भी शेप लेना चाहते हैं ले सकते हैं क्लिक करके। जैसे कि यहाँ पे बेसिक शेप है, मान लीजिए हम यहाँ से एक ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंगल वाला ले रहे हैं और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एक शेप, ये देखिए ऐसे एक शेप ड्रॉ कर दिए। जैसे शेप ड्रॉ करेंगे और भी आपको इसके अंतर्गत यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो देखिए इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और आपको मिल जाएगा, देखिए ग्रेडियंट कलर रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट रख सकते हैं, सॉरी ग्रेडियंट रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेड कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको क्या करिए कि ये कर दीजिए, ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे लाइनर रहेगा कि रेडियल रहेगा, रेडियल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके देखिए आप इसके ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये होता है कि आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए वो कम हो रहा है, ठीक है, इसको पकड़ करके आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिया सॉलिड लाइनर कैसा होना चाहिए, ये देखिए, है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइन वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे देखिए लाइन दिया है, कैसा लाइन रखना चाहते हैं उसका, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए जस्ट इधर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, ये भी आपका देखिए इधर का दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर को आप उसको दूसरा कर दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन आउटलाइन जो दिख रहा है ये उसका कलर है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन वगैरह उसका सेट कर सकते हैं, या डायरेक्शन देखिए ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, रोटेशन वगैरह जो भी दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, शेप के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज़ें। बाहर क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेक्स्ट क्लिक किया और टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये चीज़ें। तो इंसर्ट का काम आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट आपका होता क्या है, इंसर्ट से जो शेप बनते हैं वो क्या होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट वर्क मतलब आपका वर्ड आर्ट आप जानते होंगे वही आपका ये है, ठीक है। संपूर्ण ये जो आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक, यही आपका राइटर में भी दिया था, हमने आपको दिखाया था। और फॉर्मेट में आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट लिखा गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, स्पेसिंग के लिए भी आपकी वही है, अलाइनमेंट के लिए भी आपका वही है, ठीक है, और लिस्ट के लिए भी वही है, ठीक है ना। क्लियर डार्ट फॉर्मेट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दिया गया है, यानी कि हम इसको सिलेक्ट करके ऐसे, यानी कि जब हम यहाँ पे इसको क्लिक कर दिए और क्लिक करके इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाते हैं ऐसे, तो देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, यानी कि ये फॉर्मेट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से फॉर्मेट को क्लियर किया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है स्टाइल के लिए, अभी हमने जस्ट बताया, ये सारी चीजें आपको देखिए इसमें मिल गया। ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आपका जैसे ट्रांसलेशन होता ना ये उसके तरह है। तो ये आपका क्या था, फॉर्मेट मेनू था। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ स्लाइड ट्रांसलेशन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्लाइड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे, यहीं से लेके चलते हैं। पहले आपका देखिए ये पेज के लिए होता है, हम पेज पे ही पहले क्लिक कर लेते हैं। पेज आप देखिए क्लिक करिए, आपको दिख रहा होगा कैसे ये चल रहा है, ये देखिए स्लाइड ट्रांसलेशन इस तरीके से है ना, ऐसे ये देखिए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आप ऐसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इसमें बना करके आप इसको ऐसे आसानी से इसमें देखिए ये प्ले होगा ऐसे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ऐसे ये प्ले होगा। अच्छा लगता है जब ये आपका प्रेजेंटेशन एक कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ऐसे बिल्कुल, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप उसको वैसा कर लिए, हम इसी को रहने देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्लिक किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक लग गया यहाँ पे, देखिए स्टार की तरह बना हुआ है, हम ये फाइव करके देख लेते हैं, ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए दिखा ना, ठीक है। हम बैक कलर
लेते हैं, एक बार और F5 करके दिखा देते हैं। ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। और ये मिला कहाँ से आपको, हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप चलेंगे फॉर्मेट के अंतर्गत और सबसे नीचे देखिए स्लाइड के अंतर्गत सबसे नीचे आपको मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई टू ऑल कर देंगे और भी आपको मिला, और भी आपके पास ऐसे होंगे, जैसे कि हम मान लीजिए इसी को कंट्रोल एम करके एक नई स्लाइड लेते हैं, ऐसे देखिए एक नया स्लाइड आ गया, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर कंट्रोल एम करके एक नया स्लाइड लेते हैं, ठीक है, ऐसे। हम अगर सब पे यही चीज़ें लगाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देखिए सारी चीज़ें उसी में लग गई है ना। जैसे हम इसमें कुछ शेप बना देते हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ से कुछ शेप बना देते हैं, है ना, कुछ भी बना देते हैं, या फिर हम इसके अंतर्गत कुछ और लिख भी देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ऐसे शेप को डिजाइन कर देते हैं, यहाँ से स्टार को ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे डिजाइन कर दिए। और पहले वाले स्लाइड पर क्लिक करके हम F5 कर देते हैं। अब ये देखिए ऐसे आपका ये चलेगा, ठीक है, स्पेस दबाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, फिर स्पेस दबाएंगे, ये देखिए, है ना, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे लगाया जाता है ऑटोमेटिकली आफ्टर, यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ है। आप इसको बढ़ा करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और अप्लाई टू ट्रांजिशन पर कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर इस पर भी क्लिक करके आप अप्लाई टू ट्रांजिशन पर क्लिक कर दीजिए और F5 दबा दीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये चलेगा। आप स्पेस बटन दबा दीजिए क्योंकि स्लाइड को अभी मर्ज नहीं किया गया, जब मर्ज करेंगे तो उसमें आपको ये सारे स्लाइडें एक साथ ऑटोमेटिक क्या होंगी, प्ले करके दिखाएंगे बारी बारी से, ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आया। तो आगे आप इस तरीके से देख सकते हैं, तमाम तरह के स्लाइड दिए हुए हैं। ये देखिए ऐसे आपको और भी दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे देख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग इसमें स्लाइड को दिया गया है, ठीक है, ट्रांजिशन को दिया गया, ट्रांजिशन को आप लगा सकते हैं। कहाँ पर मिला था आपको स्लाइड ट्रांजिशन, यहाँ पर मिला था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है न्यू स्लाइड के लिए, तो कंट्रोल एम अभी जस्ट बताएं, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्लिक करेंगे, देखिए जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट बन गया, ठीक है, यहाँ पे है ना, इसकी देखिए दिया हुआ है इंसर्ट स्लाइड फॉर्म फाइल, क्लिक करके कोई स्लाइड बनाया हुआ तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया डिलीट स्लाइड, जिस स्लाइड को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए हमको इस स्लाइड को डिलीट करना है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट का भी कर सकते हैं, ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए डिलीट हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके न्यू डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड, तो डुप्लीकेट इसी के नीचे जस्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ डिलीट होगा, और यहाँ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ होगा, ठीक है, ये चीज है। तो आगे आपको इसमें देखिए दिया हुआ सेट बैकग्राउंड इमेज, इस पे क्लिक करेंगे, ये बैकग्राउंड के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम पिक्चर को ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल पिक्चर की इसको रखते हैं या फिर इसको रखते हैं, ओपन करके देखते हैं, ऐसे देखिए एक आपका ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए ये आ गया। अप्लाई टू ऑल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला आपका दिया है कि सेव बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे सेट बैकग्राउंड इमेज दे दिया, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है, देखिए प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी के बारे में चेक कर सकते हैं कौन, मतलब कि इसका कितना साइज है, ठीक है, और बैकग्राउंड इसका आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कलर में रखना तो आप कलर में रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, इस तरीके से है ना, इस पर क्लिक करेंगे और क्या नाम है कि यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का दे देगा, कलर दे देगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, कस्टम कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे देखिए तमाम तरह के आएंगे, बिट मैप का देखिए आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करके ओके करते हैं, ठीक, ये देखिए इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज से मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज स्लाइड मास्टर, तो स्लाइड मास्टर को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम स्लाइड, तो स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं, जंप करने के लिए बोल रहा है अल्ट प्लस F5। ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी कि F5 करेंगे तो आपकी स्लाइड शुरू से प्ले होगी, और शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो स्लाइड वहां से शुरू होगी जहां से आपकी अंतिम स्लाइड थी, करंट स्लाइड पे आप जहां पे हैं, जैसे कि हम इस वाले स्लाइड पे हैं, शिफ्ट F5 करेंगे तो यही प्ले होगा, यही से शुरू होगा, लेकिन F5 करेंगे तो यहां से प्ले होगा, शुरू से प्ले होगा, ये वही कह रहा है इसके अंतर्गत। शिफ्ट F5 करके देख लीजिए, जैसे हम यहां पे हैं तो शिफ्ट के दबा के हम F5 दबाते हैं तो आप देखिए यही स्लाइड आई है, ठीक है, लेकिन हम यहां पे हैं F5 दबा, देखिए शुरू से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज है,
ठीक है, हम ऐसे लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या नाम है कि आगे आप देखेंगे इसी के अंतर्गत कस्टम स्लाइड शो दिया हुआ, इंप्रेस है ना, रोटे रिमोट दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी सारे दोस्तों ये तो आप जानते ही, टूल मेनू के बारे में, स्पेलिंग के बारे में, ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, ये सब तो जानते ही, इसको मैं बता चुका हूँ कई बार, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे विंडोज़ का देखिए दिया हुआ है, ठीक, ये चीज़ है। अब दोस्तों जब हम इसको सेव करते हैं तो सेव करने के बाद मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी बटन का उपयोग करेंगे और ऐसे देखिए इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉपी करना है उसको ये ले सकते हैं, और यहाँ पे पेपर की साइज ले सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में जा करके प्रिंट यहाँ से पेपर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर रहता है तो आप यहाँ पे हाई क्वालिटी लो क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, और ओके कर देंगे प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। और हम बता दें दोस्तों कि सेव करते समय यदि यहाँ से हम सेवैज कर रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे दिया है ODF, ठीक है, ODF दिया हुआ है, और इसमें PDF ODF के साथ साथ इसमें आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का भी विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, XML का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको जिस प्रकार का चाहिए आप उस प्रकार का इसमें लेकर के सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों सेव करते समय आप इसका सेव टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि इस स्लाइड को आप देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, हम करके दिखा दे रहे हैं इसको, यहाँ पे देखिए कितना दिया है, लगभग 3000 आपका दिया, 3000 आप जूम कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं, और सबसे छोटा यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको, सबसे कम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कितना, 5% सबसे कम दिया हुआ है, सबसे कम इसमें कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, और यहाँ पर आप मीडियम में रख सकते हैं कितना, 100% तक मीडियम में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा आपका क्या था कि ये प्रेजेंटेशन यानी कि इंप्रेस का टोटल आपका जितना था ये हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीजें करते हैं। अब दोस्तों रही बात इसमें प्रेजेंटेशन बनाने की, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए आप उसमें टाइटल देंगे, टाइटल के बाद उसके बारे में लिखेंगे और इमेज लगाएंगे, फिर जाकर के ट्रांसिशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां पर वेलकम लिखा और वेलकम लिख के माई चैनल लिखा, ठीक है, और यहां पर चैनल का नाम दे देते हैं और फिर इसमें कुछ लिखते हैं और यहां पे हम एक शेप वगैरह बना दिए हैं, ठीक है, या तो फिर हम इंसर्ट कर कोई इमेज लेते हैं, ठीक है, बना करके फिर हम क्या नाम है कि ट्रांसिशन लगाने के लिए स्लाइड में जाते हैं और सबसे नीचे वाले में जाते हैं, तो यहां से आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपको ये मिल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, ये चीज है। तो आई होप दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।